मॉर्निंग स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जिसके लिए आप लोग को मैं बोलती रही कि बच्चे आप लोग टेबल सीखो, टेबल लर्न करो। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर टू इट्सेल्फ। रिपीटेड नंबर एडिशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, एडिशन का रिपीटेड नंबर होता है, ठीक है ना, वही नंबर रिपीट होता है तब जाके मल्टीप्लिकेशन बनता है। राइट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लिखते हैं। देखो यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अजीब लग रहा है ना कि कैसे दे दिए। जब सेम नंबर जैसे रिपीट होता जाएगा तब हम लोग को समझ लेना पड़ेगा कि पहला नंबर 2 होगा। अभी हम लोग गिनेंगे कितना 2 रिपीट हुआ, कितने बार। तो 1 2 3 4 5, 5 times रिपीट हुए, तो हम लोग ये सेकेंड वाले बॉक्स में 5 लिख देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मेन काम करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तो हम लोग 2 का नंबर 5 तक पढ़ सकते हैं, नहीं तो 5 का नंबर 2 तक पढ़ सकते हैं। तो अब सबसे ईजी होगा 5 का नंबर अगर हम लोग 2 तक पढ़े, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, आ गया समझ में। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो 3 3 3 3 3 3 3, इतना सारा 3 है, तो पहला नंबर समझ में ही आ जा रहा है कि 3 होगा। नेक्स्ट क्या काम है, हम लोग को गिनना है कि कितना 3 है, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, बाप रे 6 तो 3 है, तो 6 लिख देंगे हम लोग। तो सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे, या 6 का नंबर नहीं तो 3 तक, नहीं तो 3 का नंबर 6 तक। तो इजी सबसे कौन सा पड़ेगा कि बड़ा वाला नंबर छोटा तक गिने। तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 18 लिख देंगे हम लोग। अगर 3 का नंबर 6 तक पढ़े तो भी 18 आएगा। चलो गिन के दिखाते हैं। 3 1 = 3, मेरे साथ साथ आप बोलो। 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, तो 18 आ गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 5 5 5 5, तो पहला नंबर क्या होगा बोलो मेरे साथ। वेरी गुड, 5। नेक्स्ट क्या है, हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे कितना 5s है। 1 2 3 4, तो 4 to 5 है, तो 4 लिखेंगे हम लोग। तभी हम लोग क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे 5 का टेबल 4 तक, या 4 का टेबल भी हम लोग 5 तक पढ़ सकते हैं, जो इजी लगे। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20 लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सेम है, 5 है, तो पहला नंबर हम लोग का 5। नेक्स्ट हम लोग गिनेंगे कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो लिखेंगे 7। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 7 का नंबर 5 तक पढ़ेंगे। 7 1 = 7, 7 2 = बोलो आप लोग 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 7 5 = 35, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेम, देखो हर एक में 7 है, तो 7 पहला नंबर है। नेक्स्ट हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे कितना 7 है। 1 2 3 4 5, 5 to 7 है, तो लिखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। हम लोग कुछ भी टेबल पढ़ सकते हैं, या तो राइट साइड का या तो लेफ्ट साइड का, हम लोग को जो इजी लगे, बस टेबल सही से पढ़ना है, मतलब मेन है, ठीक है ना। तो 5 का टेबल 7 तक पढ़ते हैं। 5 1 = 5, आप लोग मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है ना। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 5 7 = 35। तो मैं ऑलरेडी बुक में दिया हुआ था और मैं करवा दी 4 ठो, तो 5 ऑलरेडी हो गया। तो आप लोग जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आप लोग करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है राइट इन द एडिशन फॉर्म। वहाँ पे जो एडिशन फॉर्म हम लोग गिन के कर रहे थे, अभी वही हम लोग को लिखना है, तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे है 5 × 7। यहाँ पे भी एक मज़े का चीज़ है कि आप 7 को भी 5 बार लिख सकते हो, या 5 को भी 7 times तक लिख सकते हो, वो आपके ऊपर ही चॉइस। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 को 7 टाइम्स तक लिखना। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + कितना हुआ, 1 2 3 4 5 5 + 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो अभी हम लोग गिनेंगे, 5 7 = 35, इस यहाँ पे 35 लिख देना है, इजी है ना। नेक्स्ट क्या है, बोले हैं 7 × 5, तो 7 को हम लोग को
फाइव टाइम्स लिखना है, तो सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो सेवन फाइव ज़ा 35। नेक्स्ट है 8 × 4, तो कितना है, 8 को हम लोग को 4 टाइम्स लिखना है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो 4 8 ज़ा कितना होगा, 32, ठीक है ना। यहाँ पे है 4 × 8, मतलब 4 को हम लोग को 8 टाइम्स लिखना है, तो 4 प्लस 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 4, ठीक है ना। तो हम लोग अगर 4 को 8 टाइम्स लिखे तो क्या होगा, 32 होगा। अगर मानो आप लोग को ये टाइम से टाइम पर करने से आप लोग को टेबल आप लोग को भूल गए टेबल, तो आप लोग और एक प्रोसेस से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 के साथ 4 ऐड करोगे, 4 के साथ 4 ऐड करने से 8 होता है, ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हो, दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे 4 है यहाँ पे प्लस 4, तो 1 2 3 4, फिर से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक नंबर के ऊपर जितने नंबर से उतना हम लोग लाइन खींच लेंगे तो इजी होगा। 4 के ऊपर फिर से 1 2 3 4, 4 के ऊपर फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी हम लोग टोटल गिनेंगे, ग्रैंड टोटल, तो कितना होता है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, आया 32। तो लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ आप लोग ये राइट इन द एडिशन फॉर्म में कर सकते हो। जब भी ये वाले फॉर्म में आ जाओगे नेक्स्ट पेज में जो है उसमें, उसके लिए ये काम नहीं करेगा, फिर आप लोग को थोड़ा सा और थोड़ा सा टेबल सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिखा दी मैं इतना तक, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट कौन लोग करेगा, आप लोग करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 121 में, मल्टीप्लाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। बोल दिए हैं आराम से कि मल्टीप्लाई करोगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को यूज़ करके, जो 2 1 2 2 2 4, जो ये जो टेबल्स है पूरा 2 से 20 तक, बाकी आप लोग तो 2 से 10 तक सीखे हो, वो टेबल यूज़ करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से बोले हैं, यहाँ दिखाती हूँ ना, 5 × 5, तो 5 5 ज़ा 25, जैसे मेरे को लर्न है ना ऐसे अच्छे से आप लोग को लर्न होना चाहिए। 8 8 × 8 8 8 ज़ा 64 3 9 ज़ा 27 4 8 ज़ा 32 6 5 ज़ा 30 6 8 ज़ा 48, ऐसे करके ये पेजेस को भी करना है, लेकिन ये जब करना है ये मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज़ करके करना है, ठीक है ना। ऐसे करके ये पेजेस को आप लोग करोगे, और ये पेजेस करने के टाइम, ये चैप्टर करने के टाइम जो जो टेबल में डाउट होगा वो टेबल को बुक के ऊपर पेजेस के ऊपर लिखोगे और वो टेबल को आप लोग लर्न करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, ये है लास्ट, ये चैप्टर का लास्ट पेज और मैथ का भी लास्ट पेज। ये पेज को करने के बाद हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत इंटरेस्टिंग ये पेज है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोले हैं, ये जो इज इक्वल टू देख रहे हो ना, इसका ये राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो 5 × 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 5 तो लिखा हुआ है लेकिन 2 मिसिंग है, तो 2 को हम लोग को लिखना है। सेम चीज़ देखो, इज इक्वल टू के राइट साइड में 9 × 7 लिखा हुआ है लेकिन लेफ्ट पार्ट में सिर्फ 9 और इंटू लिखा हुआ है, क्या मिसिंग है, वेरी गुड, 7 मिसिंग है, तो हम लोग को क्या करना है, 7 यहाँ पे लिखना है। जैसे इस साइड में देखो, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 8 × 8 लिखा हुआ है लेकिन राइट साइड में क्या है, सिर्फ 8 लिखा हुआ है और 8 को मिसिंग है, तो 8 को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। सेम प्रोसेस में 10 × 9 लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, आप लोग को क्या करना है, इज इक्वल टू के देखे लेफ्ट राइट को पहले फॉलो करना है कि कौन से साइड में पूरा लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो साइड बचा होगा उसको जो मिसिंग होगा वो लिख देना है। तो देखो लेफ्ट साइड में 10 × 9 लिखा हुआ है, सॉरी, तो हम लोग को राइट साइड में क्या लिखना है, देखो 9 दिया हुआ है, 10 लिख देना है, हो गया। तो ये वाला पार्ट सेम वैसे ही होगा। नेक्स्ट जो ग्रीन वाला पार्ट, ये पार्ट सेम होगा, ये पार्ट से ये और ये पार्ट थोड़ा सा अलग है। चलो ये पार्ट को दिखाते हैं, ये पार्ट में क्या बोले, दोनों पार्ट मिला के
एक बार वन से मल्टीप्लिकेशन है, एक बार जीरो से मल्टीप्लिकेशन है, एक बार टेन से मल्टीप्लिकेशन है, और कुछ ज़्यादा हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, टू के वन के साथ कोई सा भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही नंबर आएगा, ये तो दिमाग में एकदम बैठा लो। हम लोग टू के सॉरी वन के साथ दुनिया के कुछ भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही आता है। जैसे टू वन ज़ा टू, सिक्स वन ज़ा सिक्स, सेवन वन ज़ा सेवन, फोर्टीन वन ज़ा फोर्टीन, सेम ही ये सब आएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम लोग ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर, मतलब दुनिया के कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, शून्य, मतलब ज़ीरो ही आएगा। जैसे सेवन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फाइव ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, एट ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। देखो यहाँ पे भी कुछ कुछ मिसिंग है, जैसे सिक्स के साथ कितना मल्टीप्लीकेशन करके करने से सिक्स आएगा, सिक्स के साथ वन मल्टीप्लाई करने से सिक्स आएगा। हाँ, वन के साथ कितना मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से फाइव आएगा, वन के साथ फाइव मल्टीप्लाई करने से वन आएगा, फाइव वन सा फाइव, ठीक है ना। एट के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से एट आएगा, एट के साथ वन मल्टीप्लाई करने से एट आएगा, ठीक है ना। नाइन, नाइन वन सा क्या होगा, अभी बोली हूँ नाइन, मतलब वन के साथ पृथ्वी का कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करो तो वो सेम नंबर ही आएगा। ज़ीरो को, ज़ीरो के साथ पृथ्वी का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ तो एकदम अच्छे से बैठा लो दिमाग में। नेक्स्ट क्या बोले हैं, नेक्स्ट बोले हैं टेन के साथ मल्टीप्लाई, जैसे सिक्स टेन ज़ा सिक्सटी, फोर टेन ज़ा फोर्टी, नाइन टेन ज़ा नाइन्टी, ठीक है ना, सॉरी फाइव टेन ज़ा फिफ्टी, ट्वेल्व टेन ज़ा वन हंड्रेड ट्वेंटी, ऐसे करके होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आशा रखती हूँ। तो ऐसे करके 123 पेजेस को भी, पेज को भी आप लोग करोगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ मैथ का पूरा सिलेबस डन होता है। अभी के लिए बाय बाय।